good morning and welcome to bind edute in previous lecture we were discussing the main theme and character of the lesson ranga's marriage today i am going to explain line by line एक्सप्लानेशन ऑफ द अ स्टोरी द नेरेटर श्याम टोल्ड दैट फेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू में आस्क रा मैरिज फाइंड आउट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय ल यस आई नो आई कूड हैव सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जग्गनाथ्स विक्ट्री और गिरिजा कल्याण बट दिस इज नॉट एबाउट जग्गनाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग इट्स एबाउट अवर ओन रंगास मैरेज स नो फैंसी टाइटल कराश्याम नैरेटर जो इस स्टोरी का है कि ज्यों ही आप इस टाइटल को सुनोगे रांगाज मैरिज आप लोगों में से कुछ पूछ सकते हो कि मैंने इसका टाइटल रांगाज मैरिज ही क्यों रखा अगर मैं चाहता तो इसका कोई दूसरा भारी भरकम माउथ फीलिंग टाइटल जिसमें एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव जोड़ करके उसको एक्साजिरेट किया जाता है बढ़ाया जाता है दे आर कॉल्ड माउथ फीलिंग टाइटल जैसे जगनाथ विक्ट्री गिरिजा कल्याण रंगनाथ विवाह इस तरह का मैं कोई टाइटल दे सकता था लेकिन मैंने कोई आकर्षक टाइटल न देकर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका टाइटल मैरिज ही क्यों दिया रांगा का पूरा नाम रंगप्पा रंगनाथ था लेकिन प्यार से उसे गांव वाले रांगा कहकर पुकारते थे श्याम और रांगा दोनों एक ही गांव हुसा के रहने वाले थे रांगा अपने गांव वालों में विशेष प्रजाति का जरूर था हिवाज स्पेशल ब्रीड इमंग हिज विलेज फॉक बिकॉज ही वॉज़ द फर्स्ट बॉय ऑफ हिज विलेज हु वेंट बैंगलोर टू स्टडी इंग्लिश रांगा अपने गाँव वालों में विशेष प्रजाति का था क्योंकि वह पहला लड़का था जो इंग्लिश पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था लेकिन आप चाहे जितने ऊँचे पद पर चले जाएँ गांव वालों के नजरों में व्यक्ति हमेशा वही रहता है अगर आप भारत के राष्ट्रपति भी हो जा रहे हो और अगर आपकी शादी हो रही है तो भले दुनिया बोले कि भारत के प्रथम नागरिक महामहिम माननीय राष्ट्रपति फलनाबाबू बाबू की शादी लेकिन अगर गांव वाले आपको चिंटू मिंटू डब्लू गुड्डू जो कहते हैं अगर आपकी शादी होगी तो चिंटूज मैरिज ही बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे कि महामहिम भारत के प्रथम नागरिक माननीय फलना बाबू की शादी हो रही तो चूंकि रांगा श्याम के गांव का ही था रांगा का पूरा नाम रंगप्पा रंगनाथ था लेकिन प्यार से गांव वाले उसे रांगा कहकर पुकारते थे इसलिए कह रहा है कि ये न तो जगन्नाथ के विजय की ना गिरजा के शादी की चर्चा है यह तो मेरे अपने गांव के लड़के रांगा की शादी की चर्चा है इसलिए श्याम ने कोई इसका आकर्षक टाइटल न दे करके स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल दिया रांगाज मैरिज आगे कह रहा है श्याम की होशा हली इज अवर विलेज मेरे गांव का नाम होशाहली है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट आपने अवश्य सुना होगा फिर कह रहा है नू नहीं सुने हो वॉट ए कितने बड़े अफसोस की बात कि इतना सुंदर उसका गांव और उसके बारे में आप जानते नहीं हो फिर कह रहा है कि बट दिस इज नॉट योर फॉल्ट इसमें आपकी कोई गलती नहीं बिकॉज देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक क्योंकि भूगोल के किसी पुस्तक में मेरे गांव की कोई चर्चा नहीं है तो नैरेटर श्याम को अपने गांव होशाहली से बेहद लगाव है उसके मन में अपने गांव होशहली के प्रति बेहद प्यार और सम्मान है लेकिन श्याम को इस बात का बेहद अफसोस है कि भूगोल के किसी भी पुस्तक में उसके गांव की कोई चर्चा नहीं है अब इसके लिए श्याम किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहा है कराए कि दोज साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डोंट नो सच ए प्लेस एग्जिस्ट सो मेक नो मेंशन ऑफ इट आवर ओन पीपल टू फॉरगेट टू मेंशन इट डू यू नो दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप वन शिप वॉक इन टू द पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट श्याम कह रहा है यहां पर सटारिकल वे में कि वे साहब लोग जो इंग्लैंड में बैठकर और इंग्लिश में कहानियां लिखते हैं उन्हें क्या पता कि भारत में ऐसे गांव भी होते हैं मतलब इनडायरेक्टली श्याम ये कहना चाह रहा है कि इंग्लिश राइटर विलेज और पोवर्टी गांव और गरीबी के बारे में लिखना पसंद नहीं करते वे हाईफाई सोसाइटी के बारे में फाइव स्टार लाइफस्टाइल के बारे में वो लिखना पसंद करते हैं वे गांव और गरीबी की चर्चा नहीं करते लेकिन श्याम को उससे भी ज़्यादा दुख है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी कराए कि मैं उन साहबों की क्या चर्चा करूं, क्या दोष दूं? जब हमारे अपने देश के लोग भी जो इंडियन राइटर हैं वे भी जब इंग्लिश में लिखते हैं तो वे भी हमारे गांव की चर्चा नहीं करते तो यहां पर वो कमेंट कर रहा है कि इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं वे भी अंग्रेजों की आंख बंद करके नकल करते हैं श्याम उनको कह रहा है कि दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप वे भेड़ के झुंड की तरह और भेड़ की तो क्वालिटी जानते हैं कि वन सी वॉक इन टू ए पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो कि अगर एक भेड़ खाई में गई तो सारे भेड़ आंख बंद करके खाई में चले जाते हैं उसी को भेड़िया धसान कहते हैं तो श्याम यहाँ इंडियन राइटर को भेड़ों के झुंड से कंपेयर कर रहा है क्यों क्योंकि वे आंख बंद करके जिस स्टाइल में इंग्लैंड के साहब लोग इंग्लिश राइटर इंग्लिश लिखते हैं जब इंडियन राइटर इंग्लिश लिखते हैं तो उन्हीं का आंख बंद करके वो कॉपी करते हैं क्या रहा है कि जब वे साहब लोग हमारे अपने देश के लोग ही हमारे गांव की चर्चा नहीं करते तो यू कांट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर मींस नक्शा बनाने वाला कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर नक्शा बनाने वाले को बोलते हैं उससे का मैं क्या दोष दू उसको इसलिए कह रहा है श्याम कि भूगोल के किसी मानचित्र पर आपको हमारे गांव की शेडो छाया तक दिखाई नहीं पड़ेगी तो यहां पर जो मेनली हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें कि रांगा या श्याम दोनों के गांव का नाम कहां था क्या था तो होशाहली। दूसरा किस पुस्तक में होशाहली की कोई चर्चा नहीं तो इन बुक ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड में श्याम जो है इंडियन राइटर को किस चीज से फ्लॉक ऑफ सीप से जो है वो कंपेयर करता है अगर हम यहाँ देखें कि जो मेन क्वेश्चन हुआ कि डिस्क्राइब नैरेटर्स ओपिनियन अबाउट डिस्क्राइब द नरेटर्स ओपिनियन नैरेटर्स ओपिनियन अबाउट ज विलेज होशा हली श्याम का अपने गांव होशा के प्रति क्या दृष्टिकोण था कैसे वो वर्णन करता है तो द नरेटर श्याम हैडे ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज विलेज होस्ा खली इसी में फाई डीड ही फील सॉरी और किस बात का उसे दुख है तो द नैरेटर श्याम हैड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज विलेज होशाहली एंड ही यूज टू कंसीडर हिज विलेज होशाहली एज द मोस्ट ब्यूटिफुल विलेज इन द वर्ल्ड बट ही फेल्ट सॉरी बिकॉज देर वाज नो मेन्सन ऑफ हिज विलेज इन एनी मैप ऑफ जोग्रफ़ी एनी बुक ऑफ जोग्रफ़ी श्याम को अपने गांव होशाहली से बेहद प्यार और सम्मान है और वह अपने गांव को दुनिया का सबसे सुंदर गांव मानता था लेकिन श्याम को इस बात का दुख था कि भूगोल के किसी भी पुस्तक में किसी मानचित्र में उसके गांव की कोई चर्चा नहीं थी और इसके लिए वो इंग्लिश राइटर के साथ साथ इंडियन राइटर को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा है अब अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें कहता है श्याम सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट इन टू अनदर डायरेक्शन इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्स उस पैराग्राफ को देखिए गौर से श्याम कह रहा है कि सॉरी मैं चला था कहीं और से पहुँच गया कहीं और लेकिन बहुत थेथर प्रजाति का है वो सॉरी बोलेगा जरूर लेकिन जब तक अपने बातों को पूरा नहीं कर लेगा तब तक हम लोगों को राा की शादी में शामिल नहीं करवाएगा कराए कि मैं चला था कहीं और से पहुंच गया कहीं और अब देखिए अपने गांव की कितना बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहा है कि अगर दुनिया का कोई सबसे सुंदर देश तो है भारत अगर विश्व से भारत को हटा दिया जाए तो दुनिया बदसूरत हो जाएगी अगर भारत का कोई सबसे सुंदर राज्य तो उसका राज्य मैसूर अगर भारतवर्ष से मैसूर राज्य को हटा दें तो भारत बदसूरत अगर मैशूर के त्योहारों में कोई सबसे सुंदर चीज है तो है स्वीट कड़ी दाबू दक्षिण भारत में नारियल की ज़्यादा खेती होती है जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं उसके लिए कोकोनट के लिए सॉल्टी वाटर अप्रोप्रिएट होता है तो वहाँ नारियल और चीनी मिलकर एक डिश बनती है कड़ी दाबू और मैसूर के कोई भी त्यौहार बिना कड़ीग दाबू के पूरे नहीं होते वो अधूरे रह जाते हैं तो जिस जो स्थान मैसूर के त्योहारों में मिठाई कड़ीग दाबू का है वही स्थान मैसूर राज्य में उसके गांव होशाहली का है अगर दुनिया से भारत को हटाएं तो दुनिया बदसूरत भारत से अगर मैसूर को हटा दें तो भारत जो है बदसूरत मैसूर के त्योहारों से कड़ीग दाबू को हटा दें तो त्यौहार अधूरे और अगर मैसूर राज्य से उसके गांव होशाहली को हटा दें तो मैसूर बदसूरत अर्थात अगर दुनिया का कोई सबसे सुंदर गांव है तो उसका गांव खुशहाली उसको लग रहा है कि हम लोग कहेंगे कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो फेंको हम लोग लपेट रहे हैं यू विल ऑब्जेक्ट कह रहा है कि तुम इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो लेकिन तुम्हारे ऑब्जेक्शन का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन मैं अपने विचारों पर अडिग हूं करा है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली अबाउट होशाहली वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस हिज नेम इज गुंडा भट्ट हिज नेम इज गुंडा भट्ट गुंडा भट्ट वॉज द विलेज डॉक्टर ऑफ होशाहली, डॉक्टर ऑफ होशाहली हमारे गांव में एक डॉक्टर हैं उनका नाम है गुंडा भट्ट ही एग्रीज विथ मी वो हमारे बातों से सहमत उन्होंने बहुत देश विदेश की यात्राएं की नो नॉट इन इंग्लैंड लेकिन इंग्लैंड की नहीं लेकिन गुंडा वट को होशा हली से सुंदर कोई गांव नहीं मिला डॉक्टर गुंडा भट्ट की खासियत थी कि इंग्लैंड शब्द से उनको जबरदस्त चीड़ थी अब गॉड नोज़ श्याम ने तो अस्टोरी में एक क्लियर नहीं किया कि गुंडावट को इंग्लैंड शब्द से आखिर इतनी चीड़ इरिटेशन क्यों थी हम लोग केवल एज्यूम कर सकते हैं जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि द स्टोरी वाज रिटेन फिन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल यह स्टोरी तब लिखी गई है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था गुंडावट हो सकता है केवल एक प्रोबेबिलिटी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि कहीं पर इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि गुंडावट आखिर इंग्लैंड से क्यों इतने चीड़ते थे श्याम ने कहीं इसका मेंशन रीजन का मेंशन नहीं किया कि गुंडावट को इंग्लैंड से इतनी चीड़ क्यों थी हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं कि गुंडावट देशभक्त रहे होंगे उस समय अंग्रेजों का शासन था इसलिए हो सकता है कि उनको इंग्लैंड शब्द से बहुत चीड़ हो इंग्लैंड शब्द सुनते ही गुंडावट का पारा अपने ही साथ में आसमान पर चढ़ जाता था और बच्चे हर जगह के एक ही होते हैं। चाहे भाषा जो बोले अंदर से उनके अंदर सैतानियां एक ही जैसी होती और बच्चा लोग जान बूझ करके उनको इरिटेट करवाते थे कि सुना है डॉक्टर साहब आपने बहुत देश विदेश की यात्राएं की जर्मनी गए फ्रांस गए इटली गए पीछे से एक दो बोलता होगा इंग्लैंड भी गए होंगे तो इंग्लैंड का नाम सुनते ही गुंडा भट्ट का पारा हाई हो जाता था नो अन्य बोलते थे नहीं भाई साहब मेरे को इंग्लैंड नहीं जाना तुम ही इंग्लैंड जाओ इंग्लैंड जाने वाले को क्या बोलते थे फ्ली पेस्टर डॉग वैसा कुत्ता जिसके शरीर में ब्लड को सक कर लेने वाला खून को चूसने वाला कीड़ा लग गया हो और वो चारों तरफ भटकता है ना मेरे को वैसे नहीं भटकना तुम ही भटको दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैड सीन ए रियलिटी थी कि गुंडा भट्ट ने बहुत देश विदेश की यात्राएं की थी लेकिन इंग्लैंड की नहीं तो यहाँ पर हु वाज गुंडा भट्ट तो गुंडा भट्ट वॉज द डॉक्टर ऑफ द विलेज होशाहली हली वाई गुंडा भट्ट वाज स्पेशल तो उसके गांव के जो डॉक्टर गुंडा भट्ट थे गुंडा भट्ट यूज़ टू इरिटेट इरिटेट विथ द वर्ड इंग्लैंड गुंडा को इंग्लैंड शब्द से जबरदस्त चीड़ थी और इंग्लैंड जाने वाले को वो फ्ली पेस्टर्ड डॉग बोलते थे वैसा जो है डॉग जिसके शरीर में ब्लड को शक कर लेने वाला कीड़ा लगा हुआ हो और जो चारों तरफ भटकता हो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें श्याम अपने गांव की स्पेशियलिटी बताते हुए बोलता है कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज कम विजिटर्स एंड आई विल गिव यू ए raw mango from one of them do not eat it just take a bite and the soreness is sure a straight to go to your brahmand i once took such a fruit and chutney was made out of it all of us ate but the cuff we suffered after that वी वेंट टू गुंडा वट फॉर कफ मेडिसिन देन द डॉक्टर टोल्डस अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूड श्याम कह रहा है कि हमारे गाँव में आम के कुछ पेड़ हैं हम लोगों को बुला रहा है कम विजिटस आओ हमारे गाँव मैं तुमको उसमें से एक कच्चा आम दूंगा खाने के लिए देखिए उसका अन्याय हम लोग जाएं जो है वो झारखंड के हजारीबाग से कर्नाटका के होशाहली और वो भी क्या कर रहा है कि कितना आम देगा एक आम देगा और वो भी कैसा कच्चा आम और ऊपर से कह रहा है कि डू नॉट ईट इट उसको खाना मत जस्ट टेक ए बाइट केवल एक बार काटना जब एक बार काटोगे ना तो उसका जो सोरनेस खट्टापन है तेरा ब्रह्मांड्र हिला देगा करा श्याम कि एक बार ऐसा ही फल लेकर के वो घर आया और उसका चटनी बनाया गया परिवार के सदस्यों ने खाया खाया तो जरूर लेकिन खाते ही सबको जो कुकुर खांसी पकड़ा कि सीधे पहुंचा दिया गुंडा भट्ट के पास कफ मेडिसिन के लिए खांसी की दवा के लिए तब उस डॉक्टर ने बताया था कि उस आम की स्पेशल क्वालिटी क्या है उस फल की स्पेशल क्वालिटी क्या है तो यहाँ पर उसके गांव की जो स्पेशलिटी है गुंडावट क्यों स्पेशल हुए देखें कि इरिटेट हो जाते थे इंग्लैंड से द मैंगोज ऑफ हिज विलेज वर अस्पेशल उसके गांव के आम क्यों स्पेशल थे तो ड्यू टू सोरनेस खट्टेपन के कारण द मैंगोज ऑफ द विलेज होशाहली अली स्पेशल ड्यू टू सोरनेस खट्टेपन के कारण करा कि जस्ट एज मैंगो इज अ स्पेशल सो एवरी थिंग एल्स एराउंड अवर विलेज कैरा कि जिस तरह से हमारे गांव के आम स्पेशल हर चीजें स्पेशल कितना वो चर्चा करे है कि वी हैव ए क्रीपर इन द एवर वी हैव ए क्रीपर इन द पॉन्ड ऑफ अवर विलेज इट्स फ्लावर आर फिश टू बी होल्ड श्याम कह रहा है कि उसके गांव में एक तालाब है pond. और उस तालाब में हमेशा पानी रहती उसमें एक क्रीपर लतर उगती है उस क्रीपर की क्या खासियत है कि कह रहा है कि इट्स फ्लावर्स आर फिस्ट टू बी होल्ड उसके फूल आंखों के लिए उत्सव के समान होते हैं मतलब इतने सुंदर उसके फूल हैं कि जब आप देखेंगे तो दे रिप्रेजेंट अनब्रोकन व्यू आप अपना पलक झपकाना भूल जाओगे नयना विराम जहां आपका आंख आराम लेना नहीं चाहे इतने सुंदर उसके फूल हैं फिर कह रहा है कि अगर आप सुबह स्नान करने गए तो ज्यादा नहीं टेक टू लीव्स, दो पत्ते उसका अगर तोड़ करके ले लाते हैं आप तो आपका तनाव मिट जाएगा आफ्टरनून मील के लिए कि हम दोपहर का भोजन किस चीज में करेंगे तो द क्रीपर ऑफ हिज विलेज पॉन्ड दूसरी जो यहां पर जो स्पेशलिटी बता रहा है श्याम कि द क्रीपर ऑफ His village pond, the creeper of his village pond was a special due to its extremely beautiful flower, extremely. ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लार्ज लीव्स बड़े पत्तियों के कारण और अत्यधिक सुंदर फूल के कारण ऐसे भी साउथ इंडिया में देखेंगे और नॉर्थ बिहार के लोग पत्ते पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पूरे के पूरी जो है वो बाराती आपको उत्तरी बिहार में आज भी केले के पत्ते पर वो खा लेती आप साउथ इंडिया जाइए अच्छे से अच्छे होटल में आपको पाँच सौ रुपये का भी प्लेट है तो उसके ऊपर एक केला का पत्ता दे करके सर्व किया जाता है तो हम लोगों ने श्याम के गांव में तीन स्पेशलिटी को देखा मेनली दो चर्चा कर रहा है अगर हम डॉक्टर गुंडावट को इंक्लूड करें तो तीन तो सबसे पहला स्पेशलिटी वो बता रहा है अपने गांव के डॉक्टर क्या नाम गुंडा भट्ट तो गुंडा भट्ट स्पेशल क्यों थे तो बिकॉज ही यूज टू इरिटेट विथ द वर्ड इंग्लैंड इंग्लैंड शब्द से उनको जबरदस्त चीड़ थी सेकंड मैंगोज ऑफ हिज विलेज वाई मैंगोज ऑफ हिज विलेज वर अस्पेशल तो ड्यू टू श्योरनेस और तीसरा क्रीपर ऑफ हिज विलेज पाउंड वॉज अ स्पेशल ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फ्लावर एंड लार्ज लीव्स श्याम कह रहा है कि मैं कितना बताऊं उसके गाँव के जैसे आम स्पेशल उसके गांव के क्रीपर स्पेशल हर चीज ही स्पेशल हम लोगों से कह रहा है कि इफ यू वांट टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन आई विल लेट यू नो फेयर होशा हली इज एंड थिंग्स आर स्पेशल हियर हम लोगों से कह रहा है कि अगर आप लोगों में से कोई होशा हली आना चाहते हो तो ड्रॉप मी ए लाइन मुझे एक पत्र लिख देना मैं बता दूंगा कि होशाहली कहां है और कौन कौन सी चीजें यहां स्पेशल है है कि किसी भी जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा उपाय क्या है टू विजिट दैट प्लेस उस जगह पर जाकर देखना डू यू नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट तो यस वी एग्री दिस स्टेटमेंट कि किसी भी गांव के बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका है उस जगह पर जाकर देखना जैसे आप कहोगे कि मेरा गांव धरती का जन्नत तो कोई जाएगा तभी ना पता चलेगा कि वो रियली में जन्नत है या जहन्नुम है कह रहा है कि अगर आप लोगों में से कोई आना चाहते हैं तो मुझे पत्र लिख देना उस ज़माने में वो मोबाइल नहीं था कि कहता कि एक मैसेज ड्रॉप कर देना या हम व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर देंगे कह रहा है कि एक पत्र लिख देना मैं तुम्हें बताऊंगा कि होशाहली कहाँ है और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ स्पेशल है क्योंकि किसी भी जगह के बारे में जानने का सबसे बेहतर उपाय है उस जगह के बारे में उस जगह पर जा कर के और उसको फिज़िकली उसको देखना अब हम लोग अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अगले जो है पैराग्राफ को थैंक्स